जय, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की। अरे नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा भज रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भज रे मन गोविंदा, भज श्याम सुंदर नजर गोविंदा, श्याम सुंदर तुही नटवर तुही नागर तुही नट, तुही नटवर तुही नागर तुही नटवर अजी तुही हो, तुही हो बाल मुकुंदा भजर मन गोविंदा, तुही हो बाल मुकुंदा भजर मन हाँ, नटवर नागर भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजर मन सबके मोह में कृष्ण बड़े हैं, सभी लोग जरा हाथ ऊपर कर ताली बजाएंगे, सबके मोह में कृष्ण बड़े सबके मोह कृष्ण बड़े हैं मेरे कान्हा जी बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं मेरे अरे जैसे जैसे तारो बीच चंदा भजर मन गोविंदा, जैसे तारो बीच चंदा भजर मन हाँ, नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजर मन सब सखियों में राधा जी बड़ी, सब सखियों में राधा पातो जनता पन्ना भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजर गोविंदा भज गोविंदा वंशी विभूषित करीताम्बरा गरुड़ फलाभर
अरविंद सुंदर मुख अरविंद नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीव यत्र किल शक्तिधर श्रवण नमो भगवते तपस्विनो दान पराजसिनो मनस्विनो मंगलि दर्पण तस्मै सुभद्रुश्रवसे नमो यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रुश्रवसे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रमरुतस्कन्दन्ति दिव्यैश्वरैः वेदैः साङ्गपदकमोपनिषदैर्गायन्ति दंशावगाः ध्यानावच्छिकल्कतैर्मनसान्तं न विदुसुरासुरगुणाः देवाय तस्मै नमः सकलकलुषुकुन्दध्वंसनं देहभाराम् भवजलनिधिपाते पावनं पावनं परमपुरुषधामप्रापकं स्वास्थ्यकारान् यद्विपदिपदपदमहं श्रेयसे सन्तयामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आथर्वणं सुमन् सम्प्रवणं महान्तं कौण्डिन्यवंशमनगमकरुणालयितं राजन्द्रदेशिकपदेविनिवेशयन्तं श्रीमत्परांशुगुरुं शरणं प्रपद्ये ृजुगुरुं शरणं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 मन्त्रस्थ विद्वद्वर्गं भगवत्पादारविन्द मकरन्दास्वाद्पराणि सन्धाल सत्यं श्रद्धामयी देव्यो ॐ बालगोपालमण्डलि अनन्त औदार्य गाम्भीर्य सौसल्य दात्तमदादि गुरुगण महोदयी भगवान् श्रीमन्नारायण की कृपा से संकल्पित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान देव के साथ साथ माँ भगवती के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह और भगवान शंकर भोले बाबा के मंदिर में सपरिवार मूर्ति की स्थापना समारोह कर रहे हैं। आज तीसरा दिवस आप सब लोग अपने काम धंधा से अलग रहकर सत्संग गोष्ठी में भाग लेते हैं। यह वसुंधरा जिसे हम धरती कहते हैं, धारण करते हैं, धरती कहलाते हैं, उसका नाम वसुधा है। वसुंधरा, वसुंधरा माने वसु कहते हैं धन को, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और धारा धारण करने वाले। सारा वैभव इसी धरती पर है। वैभव की पहचान करना, वैभव को सामने रखना, और वैभव महापुरुष ये नहीं है जो बहुत लंबे चौड़े हट्ठे करते हैं। महापुरुष वे होते हैं जो दुनिया के दर्द को आत्मसात करके और दिल में धारण करके उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, उन्हें महापुरुष कहा गया। वह दिल का जिस काम का, वह दिल इस काम का जिसमें दर्द न हो, वह मर्द इस काम का जिसे केवल खुद गर्द ही दर्द हो। अपने ही घर से जीने वाला मर्द कहता है, कह ले, लेकिन है नहीं। वह दिल का इस काम का है जिस दिल में दूसरे के दर्द को पहचानने की क्षमता न हो, उस दर्द को दूर करने के लिए चेष्टा न हो, वह किस काम का दिल है। उससे तो बढ़िया पत्थर है, पत्थर के ऊपर हम बैठ कर स्नान करते हैं,
पैर धोते हैं, रगड़ कर गंदगी भी साफ कर लेते हैं, लेकिन क्या साफ किया, किसका साफ किया। इसलिए संत लोग महापुरुष लोग, मुझे एक बात याद आती है बहुत पुरानी, जब मैं संस्कृत के मार्ग में नहीं आया था, अंग्रेजी पढ़ता था, कमता हाई स्कूल से आ गया था नरेंद्रपुर हाई स्कूल में, शायद वर्षा हुई थी और दो दिन पहले जिस गांव में मेरा जन्म हुआ था उस गांव के लोग अपने धुन में रामायण गाने में प्रख्यात ही, और एक नवजोत गीत गाया था, इसे जल्दी मेरे दिल पर वह गीत आ गया था, मैं वही गुनगुनाते के अपने साथियों के साथ नरेंद्रपुर के गाँव को निकला था। संयोग था या भगवान कृपा थी, हमारे गुरुदेव स्वामी जी महाराज सरस्वती आए थे, हमें मालूम नहीं था कि आए हुए स्कूल गांव से पूरा बोर्ड स्कूल पर उनका आसन था, बैठे थे 5 आदमी भी थे, हम लोग अपने साथी मस्त होकर के गुनगुनाते चले जा रहे थे, हमने अपने तान छोड़ दी, सुरीली राग छोड़ दी। हाँ, खुशी बाज भोरे से बदरिया का लिखौले बा, खुशी बा आज भोरे से बदरिया का लिखौले बा, बदरिया का लिखौले बा, बदरिया का लिखौले बा, बदरिया काली छवले बा, बदरिया काली छवले बा, जीवा आज भोरे से बदरिया काली छवले बा, जीवा गली में हाथ भर थे हम कड़ावन कूटी टूटल बा, गली में गली में हाथ भर के हम खड़ाऊं फूटी टूटल बा, गली में हाथ भर के हम खड़ाऊं टूटल टूटल बा, जवानन की जमायत में, जवानन जमायत में, जानन की जमायत में चिलम पर याद दम कटवा, जवानन की जमायत में चिलम में कटवा, आज भोरे से बदरिया काली चले बा, खुशी बा आज भोरे से बदरिया। ये आवाज गूंजी तेज, छोटी उम्र में आवाज पतली थी, स्वामी जी के कान में आवाज गई, तुरंत गिरफ्तारी हो गई, हमें तो जमीन तलवे पर खिसक गई, डर से कभी देखा नहीं तो साधु महात्मा थर थर आने लगे। स्वामी जी ने पूछा, बड़े प्रेम से पूछा, ये कौन गीत गा रहा था, हमारा ददील बाहर निकल गया, लोगों ने कहा यही गवी फलन, बस पकड़ा गए, इधर आओ उधर आओ, हम कहें कि पिटाई भी होगी, डर के मारे थरथराते किसी तरह से काम के सामने आए, कहा कि यह गीत तो ठीक है, तुम्हारी आवाज भी ठीक है, लेकिन बढ़िया गीत नहीं है, बढ़िया गीत गाओ, लो बैठो, वो पूछ रहा तुमको पिटाएंगे नहीं, बैठो, हम कहते हैं वैसे गीत गाओ। उन दिनों हमारे गुरुदेव सुदामा चरित भागो से ही बनाए थे, सुदामा चरित का उन्होंने एक दो भजन गाया, कहा कि तुम भी गाओ, साथ गवाए, बस हो गया, उनके मैग्नेट पावर ने चुनकी शक्ति मुझे खींचा, मैं स्कूल तो गया जरूर लेकिन दिल में उन्हीं की बात सोचता गया, और भगवान ने कृपा क्या की और मैं बस उनके पीछे लग गया। घर से भाग करके राम प्रपंड जी नाम के ही बेचारे थे, पुराने भक्त सारे सारे स्वामी जी शिष्य, उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी, संस्कृत पढ़े थे थोड़ा, आपकी किताब कारण दे दी, हम घर जाएंगे तो लौटे नहीं देगा, इसलिए कुछ इंतजाम करके घर जाए ही नहीं, बस ये जादू चढ़ा गुरुदेव का, और मैं घर भी नहीं गया, हमारे हुआ ही चला गया, हुआ ही चला गया, तो पिताजी वगैरह संतुष्ट होकर वहां जाकर कोई बात नहीं, ठीक है, बस हुआ से हुआ, लोग कहते हुआ, हम कह के हुआ जाएंगे, हुआ खाएंगे, बस गुरुदेव के साथ जाएंगे।
मुझे याद आती है कि उन गुरुदेव की कृपा ने ही मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया। शायद उनका सानिध्य न मिलता, उनका संपर्क न पाता, तो पता नहीं जवानन की जमायत में चिलंबरा कितने गीत गाता, कहीं भी जा सकता था, पूछ सकता, सिनेमा में जाता, कहीं तक गाने की भी शौक थी, लड़ने की भी शौक थी, सब काम में माहिर था, लाठी पटकन में भी तेज था। अच्छे अच्छे लोग लाठीधर जो हमारे सिखलाने वाले थे, ये पिसाए वाले राम भगत सिंह हमारे यहाँ उनका ससुराल था, अच्छी लाठी जानते थे, उनके जमात में सीखने वाले हमें आगे था, तो हर कला में था। और गुरुदेव कृपा हुई कि धारा जीवन के बदल गई और आपके सामने मंच पर हूँ, और आपके सामने मंच पर नहीं हूँ, कौन सा ऐसा मंच है जहाँ मैं नहीं हूँ, चाहे वह राजनीति का मंच हो, चाहे धर्म का मंच हो, चाहे दर्शन शास्त्र का मंच हो, या विवाद का डिबेट का मंच हो। मैंने गुरुदेव की कृपा से 1962 से लेकर कौन सा ऐसा मंच अखिल भारतीय जिसको मैंने गुरुदेव का आशीर्वाद से नहीं अपनाया और मंच भगाया तो दूसरा कोई सामने आया नहीं, ये आज तक ही कृपा है। आज मैंने इस बच्ची को देखा, शिष्या तो कब बन गई थी मुझे भी पता नहीं, लेकिन आज दरखास्त लगाई, बाबा मैं भी कुछ गा सकती हूँ, बताओ क्यों नहीं गा सकते भगवान के गाने के लिए, तो भगवान का वचन स्त्रियों वैसा तथा शुद्रा ते बिजान के परागति गीता नाम अध्याय, स्त्री हो वैश्य शुद्र हो भगवान के यहाँ दरबार में गाने के लिए जाति मत देखो, रूप रंग मत देखो, उसका हृदय देखो, उसका विचार देखो। ये डर से या भय से उधर बैठी थी, हमारी नजर कहने की पर हमने कहा मंच पर जाना, डर से नहीं आए, भय से नहीं आए, मेरी नजर के हमने कहा जाओ। आज मैंने देखा, दुर्भाग्य कहो या वातावरण कमी कहो, ऐसी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए वातावरण हमारे बीच नहीं है। एक ऐसी ही बच्ची थी हमारी शिष्या थी या रतनपुर की, उसका पिता तो नहीं है, बहुत अच्छी सुनी के नाम की, बहुत बढ़िया प्रस्तुति करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पिता आज नहीं है, चले गए, वो आगे नहीं बढ़ पाई बेचारी। लेकिन भगवान के भजन करने का सबका हक है, भजन का जब स्वाद लग जाता है तो अपने ही नहीं, हजारों नहीं, लाखों के दिल के अवसाद को, ग्लानि को, पीड़ा को, दर्द को दूर करने में भजन सक्षम है। भजन हृदय का वह प्रवाह है जिस प्रवाह में आने के बाद कितना हो विषाद ग्लानि से युक्त इंसान क्यों न हो, उस इंसान के दर्द दूर हो जाता है और दिल भगवान की दुआ प्राप्त करके धन धन हो जाता है। इसलिए भगवान का भजन करना कोई अपराध नहीं है, और यह आज की दुनिया में तो कला है, और यह कला जिसकी पास आ गई उसे संसार की कमी हो जाती है। भगवान आगे बढ़ावे ऐसी बुद्धि, ऐसी बच्चों को आगे लाने का समाज प्रयास करें तो समाज का भला होगा, समाज के साथ साथ उस व्यक्ति का भला होगा जो उसी प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाएंगे। तो चले हम आगे भूमिका में नहीं जाएंगे, अब आगे आपके लिए चलते हैं। कल का प्रसंग आप याद होगा, निवेदन किया गया था कि संसार में सारे दुखों का घर आप खुद हो, जिसको जितना दुख मिला, जब मिला, जितना मिला, सारे दुख के कारण आप स्वयं हो। क्यों? क्योंकि आपके पास मन है, आपके पास बुद्धि है, वो भीतर है, जैसी मरकरी जल रही है लेकिन जलाने वाली जो ऊर्जा है, ताकत है, जनरेटर से जनरेट होने वाली जो ऊर्जा है वो दिखती नहीं है। अगर जनरेटर से जनरेट होने वाली ऊर्जा इसके पास ना पहुंचे तो मरकरी प्रकाश का करी, जो खुद मरी। अगर लाइन काट कर देखो तो भगजोगी का भगवान कुछ नहीं, ऐसे भीतर मन में और बुद्धि में भगवान के लिए कनेक्टेड है, भगवान से सब जुड़ा हुआ है। साईं बाबा ने मानस में कहा, अब वो कहा तो अपने नहीं कहा, भगवान आचार्य शंकर है, ज्ञान घाट के आचार्य भगवान शंकर के मुख से विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण जीव समेता, सकल एक सचेता, सकल एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, रामायण वध पति सोई, रामायण अवध पति सोई, राम
इंडियन फिलॉसफी का भारतीय दर्शन का सार सर्वोत्तम पंक्तियों में, ये आंख जो है रूप के पीछे दौड़ती है, कान शब्द के पीछे दौड़ता है, जीवा रस के पीछे दौड़ती है, त्वचा स्पर्श के पीछे दौड़ती है। ये क्या है? विषय के प्रति इंद्रियों का स्वाभाविक लगाव है। तो उपनिषद में ऋषि कहते हैं परां जिघानी व्यतिरत स्वयंभू तस्मात् परां वर्तते अनंतरात्म सिद्धेरः प्रत्यगात्मानमैच्छत। ये इंद्रियां बाहर दौड़ने वाली हैं, अगर भीतर दौड़ लगाए वो माल पाए जिसे पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं, समीहा नहीं, वांछा नहीं, कुछ अभिलाषा शेष नहीं रहती है, खुश हो रही है, बाहर से मिले रस को पाकर भी तृप्त हो रही है, बाहर का शब्द को सुनकर कान तृप्त हो रहा है और बाहर का स्पर्श को पाकर त्वचा संतुष्ट हो रही है। ये सब बाह्य वृत्तियां हैं। परां जिघानी व्यतिरत स्वयंभू, जिसका अर्थ है ब्रह्मा ने हर इंसान के साथ बेइंसाफी किया, अन्याय किया, जो इंद्रियों को बाहर दौड़ने को सिखाया। अगर अंतर्मुख हो जाए, भीतर देखने लग जाए तो धन निधन हो जाए, कृतार्थ हो जाए, कुछ पाने की चाह सदा की मिट जाए। जिसके चाह मिट जाती है वो शानदार बन जाता है। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ में परवाह जिसको कछु न चाहिए कोई शानदार। कब होगा शानदार? जब अंतर्मुखी इंद्रियां हो जाए, भीतर के रूप को, भीतर के रस को, भीतर के सौंदर्य को अवगाहन इंद्रियां करने लग जाए, पिपासा समाप्त हो जाएगी, भूख मिट जाएगी, तृष्णा समाप्त हो जाएगी और वह कृतकृत हो जाएगा, अप्राप्त प्राप्त कर जाएगा और कुछ नए प्राप्त करने की समीहा इच्छा अभिलाषा मन में होगी, धन्य धन्य होगा। इसीलिए व्यास जी ने बड़ा सुंदर संत किया है, कहा है केचित् वदन्ति धनहीन नरो जघन्यः, केचित् वदन्ति गुणहीन नरो जघन्यः। कोई कहते जिसके पास धन नहीं वो गया गुजरा है, भ्रष्ट है, पुअर मैन, बैड मैन, गरीब है, सबसे खराब आदमी। केचित् वदन्ति धनहीन नरो जघन्यः, केचित् वदन्ति गुणहीन नरो जघन्यः। कुछ लोग कहते हैं जिसके पास गुण नहीं है उसकी काया में धूल लग गया, व्यवहार हो गया, गर्व हो गया, निष्फल हो गया, निष्फल हो गया। लेकिन व्यास क्या कहते हैं? व्यासो वदत् अखिल वेद पुराण विज्ञो नारायण स्मरण ही नरो जघन्य। भगवान सुन नारायण का जो चिंतन नहीं करता, जो मन से स्मरण नहीं करता है, बुद्धि से विचार नहीं करता है, वही जघन्य है, वही गया गुजरा है। हनुमान जी कहते वो विपत्ति में है, जो भगवान के समय से सुन है कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन नहाए, जब तब सुमिरन भजन नहाए। नारायण स्मरण ही संत कहते हैं कि लंबा जीवन मिलेगा तो 100 साल का, लेकिन हिसाब लगाया नहीं तो 100 साल में हाथ कुछ लगता नहीं है। 100 साल में हिसाब से बैठता है कि 50 साल रात में सोने सोने में, 50 साल रात में और 15 साल लड़काई की बात, उसके बाद कहीं अगोई हो गए तो 1 साल बारात में, उसके बाद बाल बच्चा पैदा हो तो रोटी और भात को सोई होकर हो गया, हिसाब हो गया 6 लाख। इसके अलावा स्मृति धर्मसार बाल्मीय रामायण ले लोगे तो करोड़ों का ताज बांगमय लिटरेचर साहित्य करोड़ों में है। कब पढ़ोगे आप? कहां समय है? समय नहीं है। इसीलिए जच्छार ढूंढम का उपासना, जो सार है, मक्खन है, निचोड़ कर रखा है संतों ने, उसको ले लो। अब मक्खन ही भागवत सर्वेदांत सारम ही श्रीमद भागवत निष्ठी, सभी दर्शनों का सार सर्वस्व है, यहाँ तक वेद का भी यह निचोड़ है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुतम खादम तंडव संयुतम,
प्रेमी ओ रसनिज्ञ रसलुप भ्रमर की तरह जिसका मन है ऐसा रसलुप भ्रमर पीवत भागवत भागवत रस है पियो कान से पियो ही फर्क है इस रस को कान से पियो हृदय में ले जाओ हृदय धन हो जाएगा सराबोर हो जाएगा और हृदय में ही तो दर्द होता है हृदय में परेशानी होती है हृदय में ग्रानी होती है हृदय में ही तनाव होता है सब समाप्त हो जाएगा और धन धन जीवन हो जाएगा जीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोग भावुका पियो वही भागवत अमृत पिलाने के लिए सुखदेव जी महाराज प्रसिद्ध हो गए परीक्षित के पूर्ण पूर्व पूर्ण की संचय से क्योंकि महापुरुषों का सानिध्य पैसा देकर ट्यूशन आप पढ़ सकते हो स्कूल में नाम दिखा सकते हो बहुत पैसा है तो बड़े बड़े आज कल की